असलम एवरी वन वेल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस वेल जनरली हमें लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है एंड हम अल्लाह से खूब मांगते हैं और ज़ाहिर सी बातें मांगना भी अल्लाह से ही चाहिए तो यू नो एट टाइम्स हम अल्लाह से कहेंगे कोई कोई चीज़ दुनियावी चीज़ हम पे हमारे ऊपर यू you नो know, ज़्यादा असर करती है हमारे दिल पर हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर करती है और हम Uh, हमारे दिल में उसकी चाहत ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि एट टाइम्स जब आप यू you नो know, एक गाड़ी देखो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे एक गाड़ी दे दो हो सकता है आपको वो मिले हो सकता है आपको ना मिले um, आप कोई बड़ा घर देख लो किसी का भी घर देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल uh, या कहीं चले जाओ ऐना आप अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे ऐसा घर दिला दो हो सकता है अल्लाह वो बात सुने ना सुने एट टाइम्स यू नो कोई बीमारी होती है अल्लाह हम सबको हर हर बीमारी से हमारी हिफाजत करे लेकिन यू you नो know, हम कहते कि अल्लाह इस इस बीमारी का इलाज कर दीजिए आप अल्लाह से सकता करें ना करें तो यू you नो know, हर चीज में अल्लाह की हमत है वो हमें आज समझ में नहीं आती कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों हमारे साथ ये चीज़ नहीं हुई और यू you नो know, हम जनरली जो होती है उसका शुक्र करना कम होता है और जो नहीं होती है उसकी कंप्लेन हमारे अंदर ज़्यादा होती है तो यू you नो know, एक चीज मैंने रियलाइज़ किया कि एक चीज़ जो है ना वो वो फॉर श्योर आपको मिलनी अगर आप अल्लाह से मांगो एंड दैट इज गाइडेंस तो जब मैंने अल्लाह से गाइडेंस मांगा ना आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि बहुत सारी चीज़ें मेरी जिंदगी में चेंज होने लग गई एंड अपार्ट फ्रॉम देट जो मेरे दूसरे दुनियावी मसले थे ना वो भी ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग गए एंड थिंग्स स्टार्टड मेकिंग यूज 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 यू टर्न इन माई लाइफ एंड आई वॉज लाइक अच्छा ये मतलब मेरी लाइफ में बहुत मसले रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन एंड ऑफ रहते भी होते भी रहते हैं तो आई जस्ट से अल्लाह के अल्लाह यू नो प्लीज इन मसलों से बाहर निकालो ये ऐसे वैसे एंड आई की अल्लाह के अल्लाह मुझे गाइडेंस दीजिए मुझे मुझे सही तरीका बताया बिकॉज मुझे सही तरीका नहीं आता है बिकॉज हम इंसान है ना हम हम रेस्टलेस हो जाते हैं और हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है कभी कभी हम उसके लिए कभी यू you नो know, नामुनासिब तरीका भी अपना लेते हैं एंड वी फील कि नहीं ये नहीं होना चाहिए चलता है दुनिया है बट अगर अल्लाह अपने तरीके से अगर हमारे लिए कोई चीज़ सॉल्व कर दे और हमें दुनियावी तरीके की की यू नो झूठ बोलने धोखा देने की ये सारी चीजों की जरूरत ना पड़े तो कितना ही अच्छा होगा तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह से मांगे और सबसे जब भी मांगे ना अल्लाह से खैर मांगे क्योंकि हम हम नादान हैं हमें समझ नहीं है तो हम कभी भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं अल्लाह ये देते हमें नहीं पता उसके अंदर हमारी खैर है या नहीं ये चीज हमारे लिए आगे जाके अच्छी होगी कि नहीं तो हम अल्लाह से हमेशा ये कोशिश करें कि अल्लाह अगर इसके अंदर हमारे लिए खैर है और आगे मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ये दे दो तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप अल्लाह से सबसे 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 जो अल्लाह के जो अल्लाह का जो ख़जाना है ना कहते उसमें से सबसे कीमती जो खज़ाना है ना वो हिदायत है और अ, उनकी गाइडेंस है तो हम कोशिश करें कि जो अल्लाह के पास सबसे महंगी चीज़ है ना उनके ख़जाने में वो मांगे क्योंकि जब ये मिल जाता है ना तो हमारी लाइफ नूर अल्लाह नूर हो जाती है और जब वो मिल जाता है तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है और आखिरत भी बेटर हो जाती है तो बस अल्लाह से यही मांगे सबसे इम्पोटेंट कि अल्लाह हमें हिदायत दे सरातलमस्तकीम के रास्ते पर चला और ईमान पे मौत दे कलमे पर मौत दे और बस अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा बाकी बाकी सब हमारे लिए सेकेंडरी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह आप हमसे राजी हो जाए तो बस हम अल्लाह से खैर मांगे आफियत मांगे दुनिया आखिरत की आफियत मांगे और अल्लाह से जितना चाहे मांगो अल्लाह कभी नहीं कहते कि बस कर, बस कर कर बहुत हो गया बहुत मांग लिया आज के लिए काफी है इस महीने के लिए काफी है अल्लाह कहते और मांग और मांग तो अपनी ज़ात देख के ना मांग तो मेरी जात देख के मांग तो अल्लाह देने वाला है और अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें दे सकता है जो हम गुमान भी नहीं कर सकते कभी कभी नहीं कोई मुझे कहता है कि सना आप ये कर लोगी और मुझे लगता है यू you नो know, मैं कर सकती हूँ पर मेरे बस की बात नहीं है आई डोंट नो इफ आई एम रेडी फॉर इट तो हम कभी कभी अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेते हैं लेकिन आ, हमें यहाँ बार बार बुलाए और यू नो रसूल अल्लाह अल्लाह को राजी करके रखे और मैं इतने मुबारक जगह मदीने मदीना में हूँ और रोजे मुबारक के एग्जैक्टली यू नो यहाँ बैठी हूँ मतलब, तो मैं जब तक यहाँ यकीन नहीं होता है कि मैं इधर हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं वाकई इधर हूँ मैं वाकई इधर हूँ मुझे घड़ी घड़ी अपनी बार बार खिड़की खोल के देखनी पड़ती हाँ 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 ये मैं यहाँ हूँ तो अल्लाह बस हमें यहाँ बार बार बुलाए और यू नो रसूल वसल्लम की जो सीरत है उस पर हमें आ, अमल करने वाला बनाए और एक बेहतरीन उम्मत बनाए और बस यही कहना चाहती